हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ट्रैवल व्लॉग। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन 11 बजे की, 11:15 बजे की। हम दोनों की बैग पैकिंग हो चुकी है और हमने खाना वाना भी खा लिया है। बस अब हमें यहाँ से निकलना है और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचना है और वहाँ पे 11:15 बजे की ट्रेन है और ट्रेन पर बैठ के उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं और हमने कैब बुक कर ली है। 3 मिनट में कैब आ रही है, तो 3 मिनट में हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। गाइज, आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। हम थोड़ा सा पहले ही पहुंच गए हैं, अभी 10:30 भी नहीं बज रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 30 से 40 मिनट का टाइम है अभी, तब तक हम आप लोगों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। गाइज, हम लोग स्टेशन के अंदर आ चुके हैं अभी और काफ़ी यहाँ पे बारिश भी हो रही है। अभी नहीं हो रही, हो रही थी तो अभी तो बंद हो चुकी है, पर थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। तो हम लोग स्टेशन में आ चुके हैं और अभी मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। वैसे तो आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि हम लोग जा आ रहे हैं, फिर भी हम आपको अंदर जाके ट्रेन दिखाते हैं कि कौन से ट्रेन से जा रहे हैं हम। तो वैसे तो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहे हैं अभी और वहां पर फिर हम वेट करेंगे। ऑलमोस्ट सभी आधे घंटे हैं ट्रेन आने में, तो वहाँ पर हम वेट करेंगे अभी ट्रेन का। गाइज, वैसे मैं एक बार देहरादून जा चुका हूँ लेकिन देहरादून घूमा नहीं हूँ, तो इसलिए ये हमारी देहरादून की फर्स्ट ट्रिप मान सकते हैं। और सुमित तो अभी कहीं भी घूमने नहीं गया हुआ, तो इसकी फर्स्ट ट्रिप है और ये पहली बार कहीं पहाड़ों पे या फिर पहली ट्रिप इसकी आ गए थे लग रही है। अभी पहली ट्रिप में जा रहा है कहीं घूमने। तो गाइज, हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़बरदस्त है, जो बहुत ज़बरदस्त भीड़ रेलवे स्टेशन पे। ऐसा लग रहा है कि लोग पहली बार छूटे हुए हैं और कहीं जा ही रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई। चल रही है इस टाइम, लग रहा है छुट्टी चल रही है। देख रहे हो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। पर ये ट्रेन खड़ी है, हमारी ट्रेन नहीं है। हमें अभी आधे घंटे ऑलमोस्ट वेट करने पड़ेंगे ट्रेन के लिए। तो हम अभी थोड़ा सा जहाँ पर भीड़ कम है, यहाँ पर थोड़ी अभी भीड़ कम है, तो हम यहाँ पर आगे खड़े हुए हैं। थोड़ी देर हम यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ट्रेन नहीं आती। और इधर आई थिंक ये एसी के कोचेज इधर हैं, पर सुमित कह रहा है हम वहाँ जाके बहुत मज़े करने वाले हैं। क्यों सुमित? और देखो, बारिश ना हो तो फिर मज़े ही करेंगे। बस बारिश ना होगी तभी हम मज़े कर पाएंगे, पर बारिश होगी भी तब भी हम थोड़े बहुत मज़े कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर ठीक है, बारिश नहीं होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्या, ट्रेन चल गई थी पर ट्रेन की चैन पुलिंग करके रोका गया फिर से। बहुत सारे लोग रह गए यहाँ पे, किसी ने चैन पुलिंग कर ली है, पुलिस वाले जा रहे हैं पकड़ने के लिए किसने चैन पुलिंग करी हुई है। गाइस, ये ट्रेन हमारे होम टाउन इलाहाबाद की तरफ जा रही है, रीवा एक्सप्रेस, और इसी से हम लोग इलाहाबाद जाते हैं। इससे जाते हैं प्रयागराज, ट्रेन है उससे जाते हैं। भैया चाय चाय बोल दो एक बार, चाय चाय बोल दो, चाय चाय बोल दो। गाइस, ट्रेन में तो सभी बैठते हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि ये ट्रेन के पीछे जो एक्स बना होता है, ये एक्स क्यों बना होता है? तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं आता है तो हमने इसका आंसर अपने फैक्ट चैनल क्रेजी ट्रुथ पर डाला हुआ है, उस पर जाके ज़रूर देखें। इन्होंने ही डाला है, सुमित शुक्ला ने डाला है वो वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस, 10 मिनट बाद हमारी देहरादून जाने के लिए ट्रेन आने वाली है। तो आप लोगों को पता चल ही गया कि हम देहरादून जा रहे हैं, तो कल हम देहरादून में मस्त मस्त प्लेस पे जाने वाले हैं घूमने के लिए और बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये समझ लो आगे के ब्लॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। भाई, ताबड़ तोड़ बारिश हो रही है, सही बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम जैसे ही घर से निकले तभी बारिश शुरू हुई है, स्टेशन में पहुंचे और तेज़ बारिश हो गई है। अब देहरादून पहुंचे, देखते हैं कि बारिश का क्या स्टेटस रहता है।
आ चुके हैं और बैठ गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन देहरादून में। देहरादून के पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ पर आ चुके हैं। आधे घंटे और लगेंगे हमें देहरादून पहुँचने में। छोड़ ये बारिश नहीं रुक रही है, बारिश हो रही है लगातार, अभी भी हो रही है बारिश। सुबह के 8 बज रहे हैं अभी। गाइस अभी 8:30 बज गए हैं और हम लोग देहरादून स्टेशन पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। बारिश अभी भी हो रही है यहाँ पे, कंटिन्यू बारिश हो रही है, इसलिए देखते हैं। कंटिन्यू बारिश हो रही है, अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर जाके देखते हैं क्या सीन है, कैब कैसे मिलेगी और फिर होटल जाएंगे यहाँ से, और होटल जाने के बाद फिर अपना फ्रेश व्रेश होएंगे, बस बारिश बंद हो जाए यार थोड़ी। जो भी देहरादून आ रहे हैं वो ये समझ लें कि यहाँ पर आपको RT-PCR टेस्ट लेके आना पड़ेगा, रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, या फिर इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पर, कोरोना टेस्ट करके तब आगे जाने दे रहे हैं। तो गाइस हम लोग कोरोना टेस्ट करवा के आ चुके हैं। जो भी देहरादून आने वाली या तो कोरोना टेस्टिंग करवा के आएँ या फिर यहाँ आके करवाना पड़ेगा। 1 घंटे लग गए हमें लाइन में लगे थे और उसके बाद फिर टेस्टिंग हुई, अभी बाहर आ रहे हैं। फिलहाल हम स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, अब कैब आएगी और कैब से होटल जाएंगे, और उसके बाद फिर बारिश भी हो रही है यार अभी काफ़ी, तो फिर देखते हैं फिर वहाँ से कैसे निकलना है। तो आज तो दिल्ली टू देहरादून का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। देहरादून हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले देहरादून के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।